बदमाशियां करते हैं, मारूंगी तुझे। करेगा चोरी, करेगा तू, बोल। हाँ, अरे माँ, गलती उसकी है कि नहीं पहले पता तो करो। हेलो हेलो माँ, माँ जल्दी राजमहल आ, जल्दी राजमहल आ। आता हूँ माँ। अजय किधर रहता है? उस तरफ। अजय है क्या? नहीं है। क्या बात है? फाइनेंस के बारे में बात करनी थी, कहाँ मिलेगा? गांव गया है। गांव किधर? कोतनाली। कोतनाली भाई, वो कोतनाली गया है भाई। कोतनाली अपने गांव का है वो? हाँ भाई। आ जल्दी आ, लड़के लोगों को लेके आ। अभी आ रहा हूँ भाई। तुझे क्या, मैं अमिताभ बच्चन दिख रहा हूँ? इधर कॉफी रखेगी या यहाँ रखेगी? चल। मेरे चाचा पे किसने हाथ उठाया? बोलो। तेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, उसका हाथ तोड़ डाल। कौन है तू?
कपाट फाड़ने की वजह से तेरा ये हाल है। इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। इज्जत खोना गौरव नहीं है बल्कि बेइज्जती है। इज्जत को संभाल कर रखना ही अपना गौरव है, याद रख। कई लाखों लोग हमारे आगे हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। हम लोगों की कितनी ताकत है, क्या इतिहास है, ये समझ लो, ये याद रखना। हमारे सामने खड़े होने के लिए तुम्हारी औकात नहीं, हमारा सामना करने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए। सुन, अगर शेर चुप है तो उसके पास आने की जरा भी कोशिश मत करना। डर डर रहना चाहिए। ये जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है, राज विराज। गीत का लड़का हमेशा ये मॉल में चार पांच लड़कियों के साथ घिरा रहता है गुरु, हमें तो किसी से भी नहीं मिला। गीता, ये बंधन धरती के लिए और ये जान तेरे लिए, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे मैंने गीता को फोन किया है, वो आती होगी। वो नहीं आएगी, मैं मर रहा हूँ। गीता के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं रह सकता, बचाओ तुम लोग मुझे। संजय वेट्स गीता पार्ट टू। इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैर भी नहीं टूटेगा और ये कूद के मरने का ड्रामा कर रहा है। संजू, वहीं पर रुको। वहीं पर रुको, अगर मेरे पास आती तो मैं कूद के जान दे दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी यही रोड पे पड़ी रहेगी और तेरा ये थोबड़ा है ना, उस पे गाय घुसेगी। अब जाके खुद तू नरक में मरेगा। अब ये नहीं सब चाहता ना तो चल नीचे उतर। वो लड़का नीचे गिर के तो नहीं मरेगा, वो मोटी के डर से जरूर उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों भाई? बचने के लिए। अच्छा, वो दे गीता आ गई। क्या गीता, अगर तुम नहीं मरती तो मैं मर जाऊंगा। मत करो, मरो मत। Excuse मैं तुमसे लव करती हूँ। सच में? हाँ, प्लीज उतर जाओ। मेरी जान गीता, वहाँ खड़े रहे। बता। देखो मुझ में एक वीकनेस है। ए, मुझे मंजूर है। क्या वीकनेस है बताओ मुझे गीता। देखो तुम सुनो, डेली सेम सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कबार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। ए, नो प्रॉब्लम। ये चेंज सिर्फ खाने में नहीं, और फिर लव में भी। क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो तो मैं आई लव यू बोला, कल उसे पसंद करूंगी उसे भी आई लव यू बोलूंगी, नेक्स्ट इसे पसंद करूंगी तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी, ये पसंद आया तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी। मुझे भी? हाँ सर। ए, मैं गैप नहीं दूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा। हाँ। वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तेरी तो, तेरे पीछे घूम घूम के मेरे जूते घिस गए, तेरे पास पटके चक्कर में मैं वाइफ ढूंढना छोड़ दिया, तेरे लिए सुसाइड करने जा रहा था। मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मारना चाहिए। तू जी फॉर गीता नहीं है, सी फॉर चीटर है, टी फॉर टेरर है, टी फॉर डॉग। ए भाई तू कौन है? तुझे तो अकेले में देखता हूँ। कबाब में हड्डी कहीं का। मेरा सारा काम खराब कर दिया, देख लूंगा तुझे मैं। थैंक यू। इट्स ओके। गुरु गुरु। अरे वो लड़की कहाँ गई? उसने मुझे भी आई लव यू बोला यार। तुम गलत समझ रहे हो गुरु, उसने तुम्हें नहीं बोला बल्कि उसने उस लड़के को उदाहरण दिया, तुमने भी सुना ना, यहाँ खड़े सभी लोगों ने सुना उसने क्या कहा। हाँ मैंने सुना, पर वो गई कहाँ? तुमने अच्छा सबक सीखा है। सुनिए एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग प्यार को समझते क्या हो? कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मोबाइल सिम कार्ड है, जब दिल किया पुराना वाला फेंक दिया और जाकर नया खरीद लिया? तुमने लड़कों को एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? जब दिल किया एटीएम में स्वैप किया और पैसा निकाल लिया। Hey, I love you. फिर से क्या है? तुम्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है, तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में? उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है, कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है, ये सारी जिम्मेदारियां हैं उस पर। लव लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी। मैंने खुद के कैरेक्टर को गिरा के उसकी लाइफ को बचाया है, समझे? बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। दीदी आपके पैर को एक नमस्कार। माफ कीजिए। धन्यवाद। आपके अच्छे इरादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए। जी फॉर गौरी माँ, के फॉर काली माँ, डी फॉर देवी बोलो ना। हाँ फिर ठीक है, प्लीज आप जाइए। मैं भी इनके जैसी एक लड़की से शादी करूंगा, देखना मैं भी लाइन में हूँ।
मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूंगी, आप जाइए बॉस से मिल लीजिए। अच्छा ये फाइल लेकर के जाना। एसएस के एक्सपोर्टर्स के मालिक सोमशेखर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। किसे मारना है बोलो? एसपी सूर्य प्रकाश को। मैटर क्या है? हमारे साहब के ऊपर उसने एक छोटा सा केस किया है, उस बात को लेकर एसपी हमारे साहब को बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा केस है? हमारे कारखाने में 3 लड़कियां काम करती थी, वो 1 महीने से गायब हैं। गायब नहीं, तेरे मालिक ने उन तीनों का रेप किया और मर्डर कर दिया। एसपी की इंक्वायरी के दौरान अगर मैटर लीक हो गया तो तेरे मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। अब तुम मेरे पास आए हो, चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। तुम लोग भैरव फाइनेंस कंपनी में आए हो, अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास गिरवी रख देना। तुम लोग सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से बना के रखना, नए सिम कार्ड खरीद लेना, और तुमको नए नए नंबरों से कॉल आएंगे, उन सब को रिसीव कर लेना। किसी भी कारण से उस नंबर से किसी को भी फोन मत करना। ओके सर। ये अमाउंट मैं किसको दूं? फोन पे बताऊंगा। तुम लोग जाओ। सूरी। हाँ भाई। एसपी सूर्य प्रकाश का पूरा डिटेल चाहिए हमें। ओके भाई। गोपी। बोलो भाई। एसपी सूर्य प्रकाश। ठीक है भाई। मनो। हाँ। अर्जेंट में एक सिम कार्ड खरीद और मुझको फोन। हाँ ठीक है भाई। मंदिर आने के बाद ना मन को बहुत सुकून लगता है। ऐसा क्यों? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तेरे जेब में एक पैसा नहीं है। स्वाति लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ओके बाय। ओके बाय। घूमने के लिए 4 लड़के चाहिए तुझे, उन्हें बैंकॉक ले जाएगा। वहाँ जाने के लिए तूने सेटिंग भी कर रखी। मुंह तोड़ूंगा तेरा। क्या करूं भैया, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। यहाँ हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है। ए पीसो रे, ए बस करो यार, ए तू जा यहाँ से। ए हट, पैसे टाइम पर देना। राजा तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय। आइए ना, प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे, वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? मशीन कपड़े डालो धो और वो। वो क्या है कि हमने सेठ को ब्याज पर पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कब करेगा उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपका ब्याज का बिजनेस? हाँ हमारा बिजनेस, बैंक बिजनेस। आपके बैंक का कितना इंटरेस्ट है? फायर इंटरेस्ट। हम उनसे तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक वो मर ना जाए। हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि ब्याज भरते भरते उनकी जिंदगी खत्म हो जाए और असल जो कहते हो ही रहे, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब समझ में आया क्या? ये हमारी गेस्ट है ना, फ्रिज से इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ। नहीं बोल रही, छोड़ो गुरु। अरे जाना यार। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं मंदिर आई थी। दर्शन हो गए? कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई है ना, अतिथि देवो भवा, ये लीजिए। अबे तू ये क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंडा लेके आना, फ्रिज में यही सबसे चिल्ड था। क्या हुआ, ये इन्हें पसंद नहीं क्या? छी, थू, राजा। सॉरी। आपका ब्रांड यहाँ नहीं है, लेकिन चखने में मटन, चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पास। छी, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ही पी लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हेलो मैडम। वो तो नहीं पी रहे, चल अपुन ही पी लेते हैं। अंदर लेके जाएगा, चलो अभी पी लेते हैं। तेरी तो लड़की के सामने तूने मुझे बेवड़ा साबित कर दिया। फ्रिज में जितनी बोतलें सब अभी निकाल कर बाहर फेंक। ठीक है छोड़ो गुरु, अभी से हम फ्रिज में केवल चाय और कॉफी रखा करेंगे। अबे चल। सुनो जी, अपने गांव से कुछ लोग आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो नमस्कार। नमस्कार बैठिए। मालती भाभी को बुलाओ। बुलाती हूँ। नमस्ते, बैठिए। आने वाले कार्तिक महीने में मंदिर की पूजा करने की सोच रहे हैं। पहले सब मुत्तु राजन को आगे खड़ा करके मंदिर में पूजा करवाते थे, लेकिन आजकल तो आप लोगों ने मंदिर में आना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन
काम इतना बढ़ गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। आप जैसे गांव के बड़े लोग अगर आना ही छोड़ देंगे, उधर बाहर के लोग मंदिर में आकर के अपना हक जता रहे हैं बहन। मालिक कहकर? हाँ बहन, आज से 22 साल पहले आपके पति ने इस गांव की 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम पे दान किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले रजिस्ट्री का काम पूरा होने वाला था कि उनका देहांत हो गया। आज उसकी कीमत 18 करोड़ है बहन। इधर मंदिर का नया धर्म रक्षक है ना, वो भैरव, वो कैसे भी करके उस जमीन को हड़प करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस राक्षस से भिड़ने की हिम्मत यहाँ पे किसी में भी नहीं। हम सारे के सारे गांव वालों ने मिलकर उस भैरव को इस गांव और मंदिर से दूर रखने का फैसला किया है। उसके बदले में सत्यराज को नया धर्म रक्षक बनाने का हम सब ने फैसला किया है। मैं क्यों चाचा जी? सत्यराज, ये हमारे परिवार और हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। इस पद के लिए तुम ही सही व्यक्ति हो। ठीक है, जैसा आप बोले। ये सब सुनने के बाद इस बार हम सब गांव जाकर पूजा खत्म होने तक वहीं रुकेंगे। उस 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम करने की तैयारी कीजिए। ठीक है बहन, अब हम सब चलते हैं। ठीक है। इच्छिका, उधर देखो। बहुत सही था ना? गुलाब, मोगरा, गुड़हल, चमेली, लिली, कमल, सब फ्लावर का पूरा मार्केट अपनी ऑफिस की तर्फ क्यों आ रहे हैं? हाय। हाय डियर गर्ल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक ही चेयर है, सिर्फ एक ही बैठी। नहीं नहीं छोड़ो, राजा किधर है? राजा क्यों, मंत्री से काम चला लो। हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं, पिक्चर देखने आए। पंच जबड़ा हिलाने वाला। मैटर क्या है? अर्जेंट है, 30,000 उधार चाहिए। मिल जाएगा, तुम लड़कियों को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गिरवी रखने के लिए क्या रही? गिरवी रखने के लिए? हम ऐसा कुछ नहीं लेकर आए हैं। अरे चलेगा, ये पिंक इज पिंक है ना, इसे रख के जाओ। हम 3 दिन तक इंकू पिंकू डोंकू खेलते रहेंगे और फिर बाद में इसे आके लेके जाना। ओके, चलेगा ना तुम्हें? चलेगा ना? बी छी? नहीं जी सी। मैं राजा के आने के बाद बात करती हूँ। वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ। पिंकी यार इधर बैठ जा। पिंकी गीता। हाय। राजा आ गया, राजा ये देख गीता ही है। अरे तुम तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आई हो, बैठो ना। थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड अनीता है, जॉब मिला है सो हमने सोचा इसे ट्रीट ले ले। वो क्या है ना, मंथ एंड है, कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए। नो प्रॉब्लम करीम भाई। ओके बॉस। वैसे 30,000 की ट्रीट? हाँ, हमने एक्चुअली ले मेरिडियन होटल में ट्रीट मांगी थी, सो यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई। फ्रेंड्स के लिए उधारी लेते हुए मैंने सुना है, उधारी दिला के उससे पार्टी मांगने वाली फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बस दे दो। 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। हाँ? No problem. इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं। अरे नहीं, 3,000 रुपए। तीन हजार रुपए फायर इंटरेस्ट, सिर्फ कस्टमर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए नहीं। आप आराम से देना, कोई बात नहीं। थैंक यू। महिलाओं की सेवा, एंजॉय। वैसे आप कुछ पियेंगे क्या, चाय वगैरह? कुछ नहीं चाहिए। चिल्ड चलेगा? हाँ, नहीं, 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 कुछ नहीं लाना। नहीं नहीं कुछ नहीं, चलेगा चलेगा। अरे नहीं चाहिए। मैं टी कॉफी की बात कर रहा था, बोतल दूंगा, ये क्यों सोच रही हो? ए, चुप हो जा गीता, आप गलत मत समझिए। ए छोटो, ये कॉफी अच्छी बनाता है। अच्छा, पैसे मिल गए ना? थैंक यू। एक्चुअली यू नो व्हाट गीता, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। साड़ी का पल्लू कार के डोर में फंस गया था।
एसपी का एक ही सेंटीमेंट है बोले तो, उसकी खुद की वाइफ। रॉबिन थिएटर में मैटनी शो के लिए 2 टिकट बुक किया है, उसको उधर ही खत्म कर दो। थिएटर में क्या? हाँ उधर ही। चलो चलो पीछे 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 करो पीछे। हाँ थोड़ा और। ए रुक रुक, ए फोन दे, फोन देना मुझे। हाय गीता, कैसी हो तुम? तुमने जो पैसे दिए हैं वो वापस करने हैं। अरे कोई अर्जेंट नहीं है, तुम आराम से देना, मैं फिल्म देखने आया हूँ। कौन सा फिल्म? दंगल। इफ यू डोंट माइंड प्लीज कैन आई जॉइन यू? एक्चुअली फिल्म तो बस शुरू ही होने वाली है। चलेगा, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ पहुँच कर कॉल करती हूँ। ओके तो ठीक है। अबे तू, अबे मेरे पास 4 टिकट हैं, इधर एक सीट खाली होगी, उधर एक सीट खाली होगी, तुम दोनों दंगल देखो। और ए लेकिन तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तेरे बाजू के थिएटर में जाएंगे। उसमें कौन सी फिल्म लगी है? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अबे वो तो मराठी लैंग्वेज में है। हमें लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। मजा आ अंदर क्या क्या हुआ हमें बताना जरूर। एंजॉय। एसपी निकल रहा है भाई। ठीक है तू भी निकल। एसपी घर से निकल गया है, सब लड़कों को अलर्ट रहने को बोल। ठीक है भाई। 2 जन को गाड़ी के पीछे भेज। हाँ ठीक है भाई। और 2 लोगों को कार पार्किंग के नजदीक। कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना? नहीं भाई। कुछ भी हो जाए अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाला एसपी है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई। आ गया आ गया, मेरे आने तक होल्ड कर। पार्किंग कर रहा है वो। कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। आई कांट कम टू द सिनेमा। क्यों? इज समथिंग रियली रॉन्ग। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। रुको मैं भी आता हूँ। लड़कों को बताओ क्यों आ रहा है। क्या हम लेट हो गए? मैडम अब ठीक है? स्कैनिंग रिपोर्ट चेक करनी है, चिंता की कोई बात नहीं। हेलो सर। ठीक है, अब आप कैसे हैं? या मैं ठीक हूँ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया सर, आपके ऊपर हमला करने वाला कोई भी यहाँ का नहीं था, सब आउटसाइडर्स थे। यू मीन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स? यस सर। देख लिया ना तुम्हारे पति की ड्यूटी कितनी खतरनाक है, कल तक इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया। सुनिए जी, जिसने हमारी जान बचाई है उस महान को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। अच्छा किधर है वो लड़का? आपको हॉस्पिटल में भी उसी ने एडमिट किया सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ। सुनो भाई, उसने अपनी जान दांव पर लगा के हम दोनों को बचाया, उसका पता नहीं लगा सके आप लोग? पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज चेक करवा लेता हूँ सर। सुनो, ऑलरेडी वो लोग प्रोफेशनल किलर्स है ऐसा तुमने बताया, आज वो लोग मुझे मारने आए थे, कल को उस लड़के को भी तकलीफ दे सकते हैं, जस्ट लीव हिम अलोन। ओके सर। ओके। हे भगवान, देख लिया ना ये है हमारी जिंदगी। छोड़ा रहे उसे, छोड़ा तुम लोगों ने।
पब्लिक प्लेस में पुलिस के ऊपर अटैक करते वक्त सब देख रहे थे, वो इस सीन के अंदर कैसे आया? कौन है वो? एसपी और इसका क्या संबंध है? पता नहीं भाई। कॉमन पब्लिक है या फिर एक्टिविटीज को वॉच करने वाला अंडरकवर एजेंट है या फिर मेरा ऑपोजिट गैंग है? इंक्वायरी करो। ठीक है भाई, निकल जाओ। पिक्चर में सब बैड सीन को कट कर दिया, सो सा उसी में तो मजा था। क्या गरिमाला क्या कर रहा है? चिका, ये सब सब्जियों का नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे? वही सोच रहा हूँ। नहीं जानता तो जो जानते हैं उनसे पूछ कर जान लो। ऐसा क्या? ओके, कद्दू को क्या बोलते हैं? पम्पकिन। आलू को? जुमकिन। पोटैटो। सहजन? ड्रमस्टिक। बिंडे? लेडीज फिंगर। आमला? जेंसी जेंट फिंगर। बेंडे को लेडीज फिंगर बोलते हैं क्योंकि ये लड़की की उंगली जैसा नाजुक है। ओके, पर गोल वाले आमला को जेंट्स फिंगर कैसे बोल सकते हैं? चिक्का, नाचने वाले को नाचना आता, गाने वाले को गाना आता, तुमको? ऐसा क्या? तो ठीक है, कच्चे केले को क्या बोलते हैं? ए, मैं काशीनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे साथ डबल मीनिंग में बात मत किया कर। मिर्ची को क्या बोलते हैं पता है? पता नहीं। चिल्ली, अगर तू और ज्यादा बात करेगा तो मैं तेरे मुंह में ठूस दूंगा। गीता, तुम कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अनवर को भूल नहीं पा रही हूँ। सुन चित्रा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ए, राजा आया है। हाय। हाय। हाय राजा। हाय। सॉरी उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई, सो इसके लिए बुलाया। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो, कॉफी पीते। राजा आओ, तुम यहाँ बैठो। अरे बैठना यार। अरे आओ गुरु, मैं बोल रहा हूँ ना। क्या बात है चिका, इस चेयर में कोई वास्तु दोष है क्या? वो जगह मेरे दोस्त राजा के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो क्या लव है? बहुत अच्छा माहौल है, अगर आपकी मैडम सहमत है तो जरूर प्यार की बारिश होगी। व्हाट नॉनसेंस यार। जी फॉर गीता जी, आपको एल्फ और लव से एलर्जी है क्या? लड़कों के फिल्मी डायलॉग मारने पर पटने वाली सेंसलेस गर्ल नहीं हूँ मैं, लाइफ में क्लैरिटी और पक्का प्रैक्टिकल सोचने वाली हूँ मैं। इधर कोई लड़का सडनली तुम्हारे पास आके अगर आई लव यू बोले तो तुम क्या बोलोगी? चप्पल से मारूंगी। अगर कोई लोफर को चप्पल से मारोगी तो ओके, अगर राजा जैसा जेंटलमैन बंदा आई लव यू बोले तो? राजा क्या? मार्केट में ब्याज का धंधा करने वाले राजा के साथ मेरे जैसी हाई फाई लड़की ने फ्रेंडशिप की, यही बहुत ज्यादा है। और उसमें भी प्यार। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्यार किया तो उसमें एथिक्स देखो, मोरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस मैच हो रहा है कि नहीं देखो, सही हो ना राजा? चिका, राजा चल। हेलो मैडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाईफाई नहीं बन जाता, स्टेटस कुछ मीठी मीठी बातें करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए। किससे पूछा तुमने स्टेटस? क्या तुम जानती हो उसका स्टेटस क्या है? बोलो क्या जानती हो तुम? चिका चल। आ रहा हूँ गुरु। गीता, ये तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उसे? वो पालने के लिए हाइब्रिड कुत्ता चाहिए, लव करने के लिए हाईफाई लड़का चाहिए, इंसान को जिंदगी बसाना है तो सिर्फ पैसा कमा के रखना है, इन सबको चीका इन सबको सही वक्त पर यूज करके छोड़ देना चाहिए। एए! मारो गुरु मारो। जब तुम्हारे स्टेटस के बारे में बोला उसी वक्त उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं चुप था। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ लड़कियों को ओरिजिनल क्या है, सेकंड हैंड क्या है, समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ इधर उधर घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए फ्रेंड के नाम पे बकरा चाहिए, शादी होने के बाद फॉरेन जाके सेटल होने के लिए बैंक बैलेंस रखने वाला पति चाहिए। उसने अपने राजा के स्टेटस के बारे में बात की है, उसका स्टेटस जानेगी तो शौक हो जाएगी वो। क्या बोल रहा है चिका? अपना राजा कौन है, उसका बैकग्राउंड पता है क्या उसको? राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर है अपना राजा। उसका घर घर नहीं है, राजमहल है। राजा की बुआ की बेटी लवण्या की शादी फिक्स हुई थी। शादी के चार दिन पहले राजा के घर में लड़के की तरफ से पार्टी का इंतजाम हुआ था। क्या भाई, दारू वारू कुछ नहीं है क्या? अरे चुप कर यार, माँ यहाँ पर है। कुछ नहीं। हेलो, कहाँ पर हो तुम? सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे पर तुम हो कहाँ पर? घर के अंदर ही हो राजा, जल्दी आओ ना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लावण्या। राजा।
कहाँ हो तुम? राजा मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या बात है बोलो। राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या कर रही हो तुम? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ये सब गलत राजा है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। राजा लावण्या देखो मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करी। छोड़ो मुझे लावण्या। मैंने कहा ना लावण्या। राजा हां ए पापा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ए क्या एक मिनट बोल रहे हो? शांता जल्दी आ रहे। देख रहे तेरे भाई के लड़के ने कैसा घटिया काम किया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत किया है, इसको तो इसी वक्त घर से मार कर निकाल देना चाहिए। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? शांत हो जाइए, पहले मामले का पता तो करो। क्या पता करना है? मेरी आंखों के सामने मेरी लड़की की साड़ी खींच रहा था, इसने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर दी। अब मेरी बेटी समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मामा आगे पीछे सोचे बिना आप कुछ बोलिए मत। आगे पीछे सोचे बिना मैं बात नहीं करता। ऐसे घटिया लोग इस घर में है मुझे पता होता तो मैं उसे कदम नहीं रखने देता। मामा मुंह में जो भी आया बकिए मत। कौन रे कौन बकवास कर रहा है? इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था। अरे सुनिए, आज तक इस घर की मालकिन भाभी ही है, ये बात ध्यान में रहे। वही घर की मालकिन है इसलिए इतने दिन चुप रहा, हमें यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान? कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अरे मामा आओ आओ जी आओ। तुम्हारे लड़के ने कैसी घिनौनी हरकत की है तुम ही पूछो इससे। क्या किया तूने? क्या किया तूने? भाभी तुम्हारे मारने से इसने जो गलती की है क्या वो ठीक हो जाएगी? कुछ भी क्या आप चुप रहोगे क्या? ये क्या, ये क्या किया तूने? मैं तुम्हें अपना बेटा समझती थी ना, रिश्ता करने आए लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाल दी, क्यों किया ऐसे? क्यों आप क्यों आंसू बहा रही हो? ये मेरी होने वाली बहू है, ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलत सलूक करेगा तो क्या मैं अपनाऊंगा नहीं? एक मिनट, इस घर में कोई नीच नहीं है। सबके सामने तूने मेरा सर झुका दिया ना, जा बाहर, जा बाहर। अगर तू कभी लौट कर मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा। निकल जा यहां से। अगर तब राजा सच बोल देता तो लावण्या का जीवन नष्ट हो जाता। सारी सच्चाई अपने दिल में दबाकर वो अपने घर और अपनों को छोड़कर दूर आ गया। उसके घर में काम करने वाला मैं, बिना मेरा स्टेटस देखे ही उसने मुझसे दोस्ती की, मुझे अपने साथ रखा, ऐसा है अपना राजा। इसलिए वो जब घर छोड़कर आया मैं भी आ गया, और वो लव करने के लिए उसका स्टेटस पूछ रही है। अपने राजा का स्टेटस क्या है पूरे स्टेट को पता है। करीमला हाँ? चल उसके घर चल के उसके पूरे खानदान को सबक सिखाते हैं। तू गाड़ी रेडी कर, मैं जाके तलवार लेके आता हूं। मनो ठीक है भाई, कुछ पता चला? थिएटर आया हूँ भाई। अरे कल यहाँ थिएटर में जो झगड़ा हुआ था वो लड़का कौन है भाई? कौन है वो पता नहीं, पर वो व्हाइट जीप में आया था। व्हाइट जीप में आया ऐसा पता चला। आजू बाजू में पूछ के देख। हाँ भाई पूछता हूँ, बैठ रहे। स्वाति जल्दी चलो। राजा राजा उठो। गीता इतनी रात में तुम यहाँ? चैत्रा गीता जल्दी बाहर आओ, चैत्रा अनवर के साथ घर से भाग गई है। क्यों? मम्मी पापा अब तक ये बात नहीं जानते हैं दीदी। गीता राजा के पास जाके हेल्प मांगते हैं। राजा के पास? राजा कौन है? गीता का फ्रेंड है आंटी, तुम लोग जाके जल्दी से राजा को बुला के लाओ, जाओ। उसके मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता। राजा प्लीज हेल्प करो, प्लीज प्लीज। चलो ए उठ, जीप की चाबी दे। सुनो व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, सारे आदमी को भेज दो जल्दी। चाबी लो, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना। ओके ओके। लड़कों को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे चेक करें, व्हाट्सएप पे मेरे फोटो भेजा है। सब जगह पे देखो। बस स्टैंड में भी चेक करने को बोलो, प्राइवेट बस को मत जाने देना, सबको चेक करो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढो। रेलवे स्टेशन में नहीं है गुरु। क्या यहाँ पर भी नहीं भाई? यशवंतपुर में भी नहीं गुरु। गुरु एरिया में सब लड़के ढूंढ रहे हैं। राजा मेरी फ्रेंड मिसिंग है सर, एक फोटो मुझे भेज देना। ठीक है सर भेजता हूँ।
हेलो कंट्रोल रूम, और कोई नंबर है क्या? नहीं है। हेलो राजा, व्हाट्सएप पे जो लड़की का तूने फोटो भेजा है वो इधर ही है। कहाँ पर? कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चैत्रा कैंगरी रेलवे स्टेशन पे है। चल छोड़ दो उसे। राजा तू इसमें इंटरफेयर मत कर, ये मेरा पर्सनल मामला है। क्या पर्सनल मामला है रे? प्यार में मुश्किल आएगी तो उसका सामना करना चाहिए, डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। कितना भी मनाने के बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे वो? बेटा बोलकर तेरी शादी करवा देंगे? हाँ, उन्होंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लीज राजा छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? यहाँ पर भाग कर आ गई तुम, तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी खराब हो सकता है, उनकी जिंदगी नहीं है क्या? माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो। अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दरवाजे के अंदर बंद करके जाएंगे, पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो। राजा मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ए पूरी हिस्ट्री देख ले, बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार कामयाब नहीं होता। तुम दोनों आज भाग जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है? जब तक माँ बाप साथ में हैं, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनके ना रहने पे समझ में आती है। इतनी बड़ी भूल मत करो। अपने प्यार के लिए तुम एक साल इंतजार कर सकते हो ना, उसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए तुम एक साल इंतजार नहीं कर सकते? देखो प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं इज्जत करता हूं। अनवर मेरी बात समझ में आ रही है? चैत्रा तुम्हारे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूं। बाय दीदी। बाय। राजा तुम्हें अपने माँ बाप बहुत पसंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? थैंक यू राजा। गीता चैत्रा मिली क्या? मिल गई माँ। तो फिर इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। क्या किया इसने? आंटी वो राजा है ना, इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन ये है कि उसे जाने बिना इसने उस बिचारे का दिल दुखा दिया। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। हमारे बुलाने पर आधी रात में आकर उसने हमारी मदद की। देख गीता, स्टेटस दिखाने वाले तुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन माँ बाप की इज्जत करने वाला करोड़ों में एक ही होगा। ऐसे आदमी को मिस करोगी तो इस दुनिया में तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। देख गीता तुम अभी उसको बोलती हो, नहीं तो मैं वेटिंग में खड़ी हूँ। वैसे भी मेरा कोई लवर नहीं तो मैं उस पर ट्राई मारती हूँ। हे आई लव हिम मॉम, आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? हाँ, हमें दामाद मिल गया। इज इट कांग्रेचुलेशन, शादी का हॉल बुक करें। अरे बेवड़े, इतने दिन कहाँ मर गया था, दिखा नहीं तू? मैसूर में अफ्रीका से लाया गया बाघ का नेल पॉलिश करने गया था। सुबह सुबह पीना चालू कर दिया क्या? खुद को समझ के क्या रखा? अपमान करने वाली कोई खरीदारी करने ले गया था मैं क्या? दिन कॉफी डे में सबके सामने तेरे मुंह पे चप्पल पड़ी, तेरा तमाशा बना, कमीने फिर भी अकल नहीं आई तुझे? ए चिका तू ओवर बात कर रहा है। कल भगाने वाले को ही भगा लिया तो पकड़ने बुलाएंगे तो फिर मुंह उठा के पीछे पीछे भागेगा क्या? आज वो आकर राजा 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 मेरे घर पे नौकरानी नहीं आई है, आकर कपड़ा धो ऐसा बोलेगी तो वो भी धो लेना।
Hey! कल को रंगोली बनाने बोलेगी, सब्जी काटने बोलेगी, घर साफ करने बोलेगी, फाइनल में घर का काम करने के बाद तुम्हें ही घर का चौकीदार बना के रखेगी। करेगा ना राजा। चिक्का बेहोश होकर गिर गया, पानी लेके आ रहे, जल्दी लेके आ, पानी डाल। चिक्का क्या हुआ तुझे? बॉटल लेके आता हूँ ना मैं। मैंने बोला था नहीं होश में आ जाएगा। होश आया राजा? कब आया? शैत्रा कैसी है? तुम अकेले क्यों गए? मुझे भी बुलाते तो मैं भी आता था ना। गीता तो अच्छी है ना? मैं जिम जाकर आता हूँ, थोड़ा वर्कआउट करके आता हूँ। तेरे में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ए, कौन है? किसने कहा मुझे शर्म नहीं आती है? मैंने बोला। क्या गुरु, मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचानता क्या? ए, अगर किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर दिखा रहे। सुधरेगा ये। राजग्रुप कंपनीज मैनेजर विजय। राजा के साथ घूमने वाला फालतू आदमी वो तू ही है क्या? तू अब भी वहाँ है क्या? अच्छा, तू अब भी यहीं है क्या? अरे अब भी वही टाई, वही बंधन, वही शर्ट, वही पैंट। पैंट के अंदर कंटेनर भी वही है। देखेगा देखेगा, निकालो देखेगा। एक के सामने गोश्त काट कर चकना बेचने वाला टाई पहनकर टू व्हीलर में आएगा तो ऐसा ही होगा। ए, ये गोश्त काटने वाले को गाड़ी के साथ खाली कर रहे। बेटा विजय भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा हूँ। चाचा जी ने कल तुमको रजिस्ट्री ऑफिस बुलाया है। ठीक है, मैं आ जाऊँ। हेलो हेलो राजा। हाय रानी। हे करिमला, मैं हूँ गीता। सॉरी राजा, किधर है? वो क्या है कि फोन इधर छोड़कर रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए हैं वो। ओह ठीक है, मैं उधर चली जाती हूँ। सत्यराज कैसे हो? ठीक हो? 10 मिनट में बुलाता हूँ तुमको। हाँ ठीक है। भाई मेरी और लावण्य की साइन जरूरी है क्या? हाँ शांता। और कितना वक्त लगेगा? दीदी आप कार में ही बैठो, तैयार होते ही मैं खुद बुलाता हूँ। लावण्य पिताजी, भाई अकेले खड़े हैं वहाँ, उनको भी बुला लो ना। नहीं अभी रहने दो बेटी। एटलीस्ट मुझे उनके साथ जाके बात करने की इजाजत दो। नहीं बेटा, बेकार में रामायण की कहानी को दोहराओ मत। भाई को ऐसा देखने पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये इधर क्यों आई? सुनिए मालिक, आप लोग आइए। आते हैं। बेटा विराज तुम भी आओ। हेलो, यहाँ किस लिए आई हो? राजा को मिलने के लिए। नहीं मिल सकती। क्यों नहीं? उसकी माँ इधर आई हैं। माँ आई हैं? हाँ, उधर BMW कार से बाहर आ रही हैं ना, वही हैं अंजना देवी जी, अपने राज की माँ। राज ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, उसकी ओनर। आज किसके लिए आई है पता है? 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को मंदिर के नाम दान में देने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए घर के सारे लोग आए हैं और हमारा राजा भी आया हुआ है। उस दिन कुछ स्टेटस बक रही थी ना, ये है हमारे राजा का स्टेटस, समझी क्या? चल। मिस्टर विराज। करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाए, ऐसा माहौल खड़ा कर दिया उस पंडित ने। कहाँ है वो बुड्ढा? ए भैरव, मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर क्यों आ रहे हो? गांव छोड़कर जाने वाले बंजारे लोग को बुला के सबको अपने सर पर चढ़ा रहा है तू? यहाँ किसी को भी लेकर आ जाओ, लेकिन यहाँ का राजा मैं ही हूँ। क्या जाली बात है ये? इसके अन्याय को रोकने वाला क्या कोई नहीं है यहाँ पे? 10,000 है, रख ले। हाय राजा। हाँ हाय। ये बैलेंस है, तू रख ले। ठीक है, बाद में मिलते हैं। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। राजा मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाकर प्यार क्या होता है इसका मतलब तुमने बताया। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। गीता है ना तुमसे बहुत प्यार करती है राजा। ऐसा क्या? यही सब बताने के लिए वो आज रजिस्टर ऑफिस गई थी। तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, ये उसे मालूम पड़ा। उसे गिल्टी फील हुआ और इसी वजह से वो वहाँ से वापिस चली गई। उसने मुझसे कसम ली है कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, फिर भी मैंने तुम्हें ये बता दिया। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है राजा।
इसे प्रपोज करने के लिए 3 साल लग गए, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर खुद प्रपोज कर दिया। हमारा लव मैरिज हुआ है। बाय। हेलो, लेट मत करना। बाय। गीता दीदी, गीता दीदी। कौन दीदी? एक सलाह देता हूँ, सुनो। बोलो। मेरे ऑटो के पीछे क्या लिखा है जरा देख लो। व्हाट? मुश्किल से कमाया हुआ पैसा और चाहने वाले लड़के को कभी भी हाथ से निकलने मत देना। आसमान के तारे खुद जमीन पर उतर कर आए हैं, ऐसे ही लग रहा है। ये ले लो बेटी। क्या है माँ जी? तुम खुद खोल कर देख लो। किसने दिया माँ जी आपको ये? एक खूबसूरत लड़का राजकुमार ने दिया बेटी। वहाँ उसे देखो। मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है, पर उससे भी कीमती मेरे लिए सिर्फ एक औरत है, मेरी माँ। और उस माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। मिस्टर हार्डवेयर अंकल, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है हार्डवेयर, पैर हटा लो। ए, रोक 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 रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, पीछे ले। उस दिन जब थिएटर में इंक्वायरी किया था उसने बोला था कि व्हाइट जीप में आया था ना? हाँ भाई। ये मनो, वो अंदर ब्लू कलर का चेक शर्ट पहना है ना, वही है। ठीक है भाई। अरे क्या बात है, चल इधर से हट। तेरा एरिया कौन सा है, नाम क्या है, क्या कभी भी इस बार में आ जाता है? बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं? एरिया जानकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे, तेरी तो। ए, और कौन इसके साथ? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ बार में कुछ गुंडे लफड़ा कर रहे हैं। भाई अपना लड़का इंक्वायरी के लिए गया था, उसको कुत्ते की तरह धो डाला भाई। छोड़ना मत उसे। भाई बार वाले ने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर हम लोग रुके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उल्लू के पट्टे, चल फोन रख। सुनिए, 10 सालों के बाद आप गांव जा रहे हैं, राजा को भी साथ में लेकर जाइए ना। उसकी माँ राजी नहीं होगी, इस घर का वारिस है वो, कुल देवता की पूजा में वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, कोई अच्छा समय देख के मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्ते मार्किन। शोभा, बच्ची के लिए थोड़ा दूध देकर आऊंगी क्या? ठीक है। आओ लावण्या, कैसी हो? बुआ, मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ, राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया। मेरी वजह से राजा को घर छोड़ के जाना पड़ा, उस दिन की गलती की वजह से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो बुआ। ए, कल रात को जिन लोगों ने लफड़ा किया था वो कौन है? मुझे पक्का पता है कि यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, वो कौन है, कहाँ रहता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। बाजार के लड़के लोग सर। बाजार के लड़के लोग? हाँ हाँ। बोलो सोरी। भाई पता लग गया है, वो बाजार का ही छोकरा है। छोड़ना मत, छोड़ना मत, जान से मार दो। ठीक है भाई। हाँ। चलो रे। नमस्कार। नमस्ते। ये किस लिए भाई? आई आई, ये सब आपके स्वागत के लिए। सुनिए सत्यराज भाई, अब आप ही को इस मंदिर का धर्मरक्षक बनकर रहना है, ऐसा हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है।
सभी को मेरा नमस्कार। इस रजिस्टर में साइन कर देंगे तो हमारे मंदिर के सारे रीति रिवाज पूरे हो जाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। अधिकार हाथ में आया तो तुम जो चाहे भगे जाओगे क्या बे? हमें बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, बेवकूफ समझा हमें क्या है? हमें बेवकूफ समझ रखा है, पागल समझ रखा है? हाँ, बेवकूफ कहीं का। अरे छोड़ो, इज्जतदार आदमी है वो, ऐसे उसकी इज्जत नहीं उतारने का। चलो उस दिन मंदिर में सबके सामने उसने मुझे चप्पल से मारा और आज अपने गुंडे के जरिए सत्यराज के मुंह पे तमाचा मारकर उसकी बेइज्जती की। इस गांव में उसके अन्याय को रोकने वाला कोई भी मर्द नहीं है क्या? कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। इतने समय से अपनी गुंडागर्दी से हम सबको डरा रहा है, ऐसे किसी इंसान को बुलाना होगा जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, तब जाकर उसको अकल आएगी। हम भी अगर उन गुंडों से लड़ेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसे गुंडे लोगों के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लिखाने का कोई फायदा नहीं, जड़ से उखाड़ना चाहिए। राज्य का पालन करने वाला राजा वनवास गया ये जानने के बाद गली का कुत्ता भी पूंछ हिलाकर सीना तान कर घूम रहा है और ये लोमड़ी लोग भी राजवंशी होने का रोब जता रहे। आज अगर हमारा राजा रहता तो किसी को हमारे घर के चौखट में आने की हिम्मत नहीं होती। अगर भाई यहाँ रहता तो चटनी के जैसे ही सबको पीस डालता, इनकी गुंडागर्दी निकल जाती। इन लोगों की हिम्मत नहीं होती अगर मेरा भाई यहाँ पे होता। माँ, भाई कहाँ है? उसे बुलाओ यहाँ। बदमाश, कितनी बदमाशी करते हैं, मारूंगी तुझे। करेगा चोरी, करेगा तू, बोल। हाँ, अरे माँ, गलती उसकी है कि नहीं पहले पता तो करो। हेलो हेलो माँ, माँ जल्दी राजमहल आ, जल्दी राजमहल आता हूँ मां। राजा किधर रहता है? उस तरफ। राजा है क्या? नहीं है। क्या बात है? फाइनेंस के बारे में बात करनी थी, कहाँ मिलेगा? गांव गया। गांव किधर? कोतनाली। कोतनाली भाई, वो कोतनाली गया है भाई। कोतनाली गाँव का है वो? हाँ भाई। आ जल्दी आ, लड़के लोगों को लेके आ। अभी आ रहा हूँ भाई। तुझे क्या मैं अमिताभ बच्चन दिख रहा हूँ? इधर गाँव की रखेगी या यहाँ रखेगी? चल। मेरे चाचा पे किसने हाथ उठाया? बोलो। तेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, उसका हाथ तोड़ डाल।
बता कौन है तू? फाड़ने की वजह से तेरा ये हाल है। इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। इज्जत खोना गौरव नहीं है बल्कि बेइज्जती है। इज्जत को संभाल कर रखना ही अपना गौरव है। याद रख, कई लाखों लोग हमारे आगे हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। हम लोगों की कितनी ताकत है, क्या इतिहास है, ये समझ लो। ये याद रखना, हमारे सामने खड़े होने के लिए तुम्हारी औकात नहीं, हमारा सामना करने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए। सुन, अगर शेर चुप है तो उसके पास आने की जरा भी कोशिश मत करना। डर डर रहना चाहिए। ये जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है, राज विराज। उस दिन थिएटर में एसपी को बचाने वाला यही था भाई। आज इसने आपकी जो इज्जत का फालूदा किया है भाई, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। क्या दिख रहा है? पी ले। राजा,
भाज जो तूने किया उससे इस घर की इज्जत मान मर्यादा गौरव सब बच गया। अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। मैं जा रहा हूँ चाचा जी। राजा। भैया, राजा। चलता हूँ चाचा। प्लीज भैया मत जाओ ना। प्लीज भैया, भैया मत जाओ ना। प्लीज इधर ही रहो ना भाई। चलता हूँ माँ। राजा, मुझे छोड़ के मत जा बेटा। 3 साल से तुम हमसे दूर रहा, मैंने क्या क्या नहीं सहा, उन दुखों को मैं ही जानती हूँ। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुमने जो गलती नहीं की उसकी मैंने तुम्हें सजा दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। राजा, तुम इस घर के चिराग हो, तुम नहीं रहोगे तो अंधेरा हो जाएगा। हमारे साथ ही रहो राजा। हाँ भैया। मैं अब नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा मां। रुक जाइए बहन, हम सब के बुलाने पर आप लोग यहां पर आए, और आपके मुश्किलों के वक्त हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें भगवान की क्या गलती है बहन? मैं रजिस्ट्री पेपर में सत्यराज जी के साइन लेने आया। नहीं चाचा जी। क्यों सत्यराज? मेरा भाई मुत्तुराज इस पूरे वंश का गौरव था और पूरा इलाका उनको मानता था, और आज वो छवि राजा में दिखती है। इस वंश का सच्चा वारिस है वो। धर्म की रक्षा के लिए राजा ही सही है। उस भैरव की हड्डियों को तोड़कर हमारे मान सम्मान को इसने और भी ऊंचा कर दिया है। प्यार का प्रतीक, बुराई को खत्म करने की वीरता। आप दोनों हमारे मंदिर के धर्मरक्षक बन जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? रुकिए, शेर जब सिंहासन पर बैठ जाता है तो कोई भी कुत्ता बिल्ली उसे आंख नहीं दिखा सकता। हमारा राजा हमारे साथ रहेगा तो वो खुद ही एक सेना के बराबर है। आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने मेरा बेटा धर्म रक्षक बनेगा। हाँ रुको, फिर देर किस बात की? रजिस्ट्री पेपर में साइन कर दीजिए। पुजारी जी, इतने दिनों से चल रही संस्कृति को हमारे लिए बिल्कुल मत बदलना। भगवान के मामले में फैसला बदलने वाले हम कुछ भी नहीं। आप एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए, भगवान के सानिध्य में सभी कार्यों को होने दो। ठीक है बहन, आने वाले रामनवमी में करेंगे, चलेगा? ठीक है पुजारी जी। ए ड्राइवर, नीचे वाले सब अच्छे से गाना सुन रहा है, हम ऊपर बैठे हैं, हम नहीं सुने क्या? आवाज नहीं आ रही, साउंड बढ़ा बे। ए आवाज कर रहे, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। हम लोग बस में बैठे हैं। तो हाथी पे बैठे ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। क्या रे? क्या है, सिंहासन हाथी के ऊपर रहता है, इधर सिंहासन के ऊपर हाथी है। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। टिकट। ए कंडक्टर होकर रनिंग बस में चढ़ रहा, तेरे पास अकल नहीं है क्या? नहीं है। भाई तुम मेरे मामा के सौतेले लड़के जैसे दिख रहे हो, हमें टिकट देने आ रहे हो, तुम्हारा टिकट कट गया तो सोचा है तुम्हारी बीवी का क्या होगा? हमें तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं पता। चले जाते हैं। ए, मेरे पूरे परिवार को मेरा ड्राइवर देख लेगा, तुम अपना टिकट निकालो। ओ, पार्टनरशिप में बैटिंग कर रहे हो, एंजॉय। ठीक है, कतनाली के लिए दो हाफ टिकट दो। तुम दोनों का काट करना पूरे गाँव को खिला सकता हूँ। बेवकूफ, हाफ टिकट बोलता है,
ए, तुझे मच्छर की तरह मसल दूंगा, अगर करीमाला बोलेगा तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। ठीक से बात करो, इज्जत से बात नहीं कर सकते। नीचे वाले आराम से बैठकर पिक्चर देखते हुए आ रहे हैं और हम यहाँ ऊपर बैठकर अपनी जान खतरे में डालकर हाथ टिकट दे। तू टिकट लेता है या नीचे उतारूं तुझे? क्या मतलब? टिकट लेता है या उठाकर फेंक दूं? ए, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू ऐसे पूछेगा मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? भी कमरे उठा के नीचे फेंक दूंगा एकदम। पंजारा घाट से बचकर निकला हुआ शेर हूँ मैं। ए चिक्का, बिल्ली? ए, अपने गांव में शेर को बिल्ली बुलाते हैं। ऐसा क्या? आ जा तू। अरे चिक्का, अरे जा, भी लटका रहे बिना टिकट। अरे मैं यहाँ लटका हूँ, मुझे आके बचाओ। अबे मोटे, कितना टाइम लगा दिया, मुझे बचा। देख चिक्का, टाइम वैसे ही सही नहीं चल रहा है, ज्योतिष ने जो बोला बिल्कुल सही निकल रहा है। छूत तेरी तो, बचाने के लिए बोला तो गड़ाओ के कमेंट मार रहा है, अगर नीचे उतरूंगा तो पत्थर लाके मारूंगा। देखता हूँ कहाँ जा रहा है। ए चिक्का, सामने से बस आ रही है, तू चिंता मत कर, आंखें बंद करके जय हनुमान बोल के कूद जा। ए, जंप तो मार दूंगा लेकिन कहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। उसके लिए क्यों डर रहा है? उसके लिए मैं हूँ ना यहाँ। कमीने तेरी तो। ए चिक्का, चिक्का बस आ गई, कूद कूद कूद, कम ऑन चिक्का, कम ऑन चिक्का, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओए लूंगी भुगिया रे। ए थू, चोर के बच्चे। अबे मैं यहाँ लटका हूँ, नहीं तो तुझे देख लेता, तेरी बाप की जात का बैदा मारूं, तेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। आथू क्या बे, सुन, उस पेड़ से टक्कर तू वैसे ही नहीं रह सकता। सामने से कोई तो मैयत आ रही है। चिक्का, इस पर नाटक मत करियो, कूद जा, मैं बस स्टैंड के अंदर रुकता हूँ। तेरी तो, मैं कैसे उतरूंगा बे? ए करीमला, इधर आ बे। अबे मरा नहीं तो ऐसे लेट कर मरे हुए का नाटक क्यों कर रहा है? अरे बहुत बड़ी कहानी है बेटा, मेरे बच्चे और बहु लोग जायदाद को हड़पने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ बेटा। तुझे तो मैं ही मार डालूंगा। ए, वो सब बेचारे इतनी तकलीफ में फूट फूट कर रो रहे हैं और तू मरने का नाटक कर रहा है? अरे बेटा, उनके आंसू में टीआरपी ज्यादा है, नाटक कर रहे हैं वो लोग, चाहो तो अगल बगल जाकर देख लो। ऐसा क्या? चार एकड़ आम के बाग तुम ही रख लो, पाँच एकड़ केले के बाग मैं रख लेता हूँ। दीदी, सारे जेवर आप रख लेना, सारा मोती तुम रख लो। अरे तेरी तो, पता चल गया ना। ओहो, ये सब इसलिए नाटक कर रहे हैं? देख बेटा, मेरा सब कुछ तेरे नाम कर देता हूँ, कुछ भी करके मुझे बचा ले बेटा। एक मिनट रुको। मेरी जान, हम दोनों ऐसे ही मिलके रहेंगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी से गुजरेगी। ए पुत्राजू, मॉर्निंग मालिक हमारे आने के पहले घर साफ कर देगा बोल के हमारे आने के बाद इतना लेट आ रहा है, किधर गया था? वो क्या है ना मालिक, मैं गांव चला गया था। किस लिए गया? मजा करने के लिए, नहीं खेती करने के लिए। क्लीन करने के बाद वहां जाना चाहिए था ना। अरे घर तो क्लीन कर दिया था। कहां किया है? अरे मैंने ही उस घर को क्लीन किया था। किस घर को किया था? सेटअप का घर। क्या सेटअप, क्या बोल रहा है? अरे आप नहीं समझोगे, दो दो मोबाइल और दो दो घर रखने वालों की यही समस्या होती है, नंबर ही भूल जाते हैं और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। अब कैसे समझाओ इनको? यही तरह रोज का नाटक करते हैं, कैसे कैसे सवाल कर रहे, देखो चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। जी वो क्या बोल रहा था? तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अंदर जाओ। यही पे रुक रुक। तेरी तो इतनी स्पीड में चला रहा है और ऊपर से अचानक से ब्रेक भी लगा रहा है, कहीं मैं मर जाता हूँ तेरी जात का। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे यारा। क्या देख रहा तू? हेडलाइट देख रहा हूँ। तेरा हेडलाइट फोड़ दूंगा। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। ऐसे, ऐसे। अबे तेरे भाई की होने वाली बीवी है वो। भाई कौन है? मैं हूँ। हे, मैं हूँ। हाँ वही तो, इसका आरसी बुक मेरे नाम पर है। उस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव मैंने ही लिया था। बैटिंग करने के लिए कौन पहले फील्ड में उतरता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कोर कौन करता है ये इम्पोर्टेंट है। मैन ऑफ द मैच मैं ही हूँ रे। बैट पकड़ने की भी तमीज है क्या? ओवर बात क्या कर रहा है? अरे तू कौन है? क्या बे? उठा के फेंकूंगा ना तो कहीं का नहीं बिगाड़ता हूँ। देखो मेरा कॉल आ रहा है, तुम्हें वीडियो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, हाय गीता। क्यों सर, माँ के घर जाने के बाद गर्लफ्रेंड को भूल गए क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। कितने दिन हो गए तुमको देखे हुए, मेरा दिल और दिमाग दोनों डिस्टर्ब हो गया है। आई मिस यू सो मच जानो। तुम फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या कहा, मजाक मत करो। हे, आई एम सीरियस। कहाँ पर? देखो, मैक्सिमम 5 किलोमीटर होगा, बस इतना ही, आ गई। गीता, मेरी बात सुनो, तुम जहाँ पर हो वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। राजा, राजा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओहो, आने से पहले फोन करना चाहिए ना। हाय राजा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, फिर भी तुम यहाँ पर चली आई। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बाइक, बाइक पे जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। बाइक बाइक कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता, मेरी बात सुनो। बाइक पे कोई भी हमें देख लेगा। अरे, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को कार से ज्यादा बाइक में ले जाना पसंद करते हैं, पता है तुमको? ऐसा क्या, लेकिन क्यों? तुम्हारी बायोलॉजी बहुत वीक है, यहाँ कहीं गड्ढा आएगा तुम अपने आप ही समझ जाओगे। गड्ढा आने पर मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा, पर वो कैसे? अब पता चल गया। गीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर ऐसे मत आना, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊंगा। 2 दिन हो चुके हैं, कॉल नहीं, मैसेज नहीं। मैं कोई फेसबुक ऐप हूँ क्या? जब चाहे लॉग इन करो, जब चाहे लॉग आउट कर लो। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, हाँ समझे? जवाब दो। हेलो भाई। बोल। राजा बस स्टैंड पर है। मैं आता हूँ अभी उधर, चल वहीं रहना, आ रहा हूँ मैं। ऐसे करते रहोगे ना तो तुम्हारे घर पे आके सेटल हो जाऊंगी, सच में। अरे लुक एट मी, कुछ बोलोगे नहीं क्या? तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ मैं, बोलो। गीता, बस स्टैंड वहां है, तुम चली जाओ और संभल कर जाना। हेलो। हाँ बोलो गीता। स्वाति, मैं राजा के गांव से बस में आ रही हूँ। क्या कहा, राजा ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है यार, तुम समझोगी नहीं, तुम मुझे आकर पिक करो बस। भाई इधर है रे, वो इधर ही था, वो इधर यहीं कहीं होगा, गाड़ी यहीं खड़ी है। भाई चाय। मैं मंगाई रही है चाय। सर, आप अपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे? क्यों? क्योंकि 5 मिनट में सबका तोड़फोड़ हो जाएगा और एम्बुलेंस आके सबको लेकर जाएगी। लोगों का बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या भाई, चाय चाहिए कि नहीं? थैंक यू सर। भाई, इसको अपना चाय नहीं चाहिए, तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए। आ जाओ। अब तो भुगतेगा। ए, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो। तुझमें अभी भी अक्कल नहीं आई? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सॉरी बॉस। शेयरिंग ऑटो, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। उठा के मार। तूने कमिटमेंट किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तेरी बारी है, आ जा। रुको। ए, चार चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो। अरे क्या कर रहे हो कमीनो? उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन किलर खाकर संभल रहा हूँ, अब मार खाया तो सीधा परलोक में जाके सो जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं यही सो जाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है तू। नामर्द हिजड़े के बच्चों, उठ के मारो उसे। अब तक देखा ह्यूमर टच, अब देख हैमर टच। Oh!
पचास से मैं छोड़कर चला गया था ऐसे बोल रही थी ना। अब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती हूँ वो देख। देखती हूँ देखती हूँ। क्या हुआ था भैरो, ठीक है? ए, लगे हुए घाव पर नमक मत छिड़को। नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरो, उस लड़के ने सबके सामने तुझे पीटा, पूरी मार्केट के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा तू? क्या बोल रहे हो? तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने YouTube पर अपलोड कर दिया, ये देखो। चार लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने लाइक किया। किसने इसे YouTube पर डाला? पहले से ही भाई टेंशन में है, डालने वाले का नाम बताओ मुझे। माय हीरो साइट से अपलोड किया है, लगता है ये किसी लड़की का काम है। उसका IP एड्रेस डिटेल सब देता हूँ तुम्हें, पहले जाके उसे उठाओ। आपने बुलाया मुझे? राजा, ये भैरव एक घायल सांप के बराबर है, कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमारे परिवार के बारे में सोच के ही डर लगता है। तू एक काम कर, जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे। ठीक है चाचा जी। इस वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ मैं हूं ऑफिसर। अरे सिम सर, अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने वाले को एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी ने बचपन में ही उसके मां बाप को खो दिया था, अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती। तुम्हारी वजह से उसका सिंदूर बच गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे और भैरव के बीच में क्या लफड़ा है? तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं। आकाश। यस सर। अब उस भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर 1000 पुलिस की सिक्योरिटी लगा दूं तो भी कम है, क्योंकि अपना बब्बर शेर ही उनके लिए अकेला काफी है। ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसे हिम्मत यहां किसी में नहीं। मां, आपने किसी साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। डर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बब्बर शेर। चलता हूं मां जी। भाई। वो कौन है जिसने यूट्यूब पर तुम्हारे फोटो पर माँ हीरो लिखा है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड है क्या? ए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन। हाय राजा। गीता, भैरव को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला। हाँ तो? पर उसे यूट्यूब पे क्यों अपलोड कर दिया? मैंने? नो वे। ओ वे वे वे, वो वीडियो मैंने स्वाति को भेजा था। आई थिंक शी इज अपलोडेड इट। एक मिनट, हाँ, I'll put you on conference. But सब कुछ ओके ना राजा? क्या ओके है? वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है। ओह, ठीक है, कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालो। ओके। तूने किस से पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला? सर, वो हेलो स्वाति,
सबके सामने वीडियो बनाकर तू यूट्यूब में डालकर मेरे सामने नाटक कर रही है। तेरी तो अब बताता हूँ तुझे। सर, वो मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गीता ने वीडियो बनाया था। राजा राजा आप क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ। मार्केट में? तुम्हारे लिए उससे सिर्फ जगह कोई नहीं हो सकती है, जल्दी जाओ फास्ट। ओके ओके ठीक है माँ। सर यूट्यूब में अपलोड करने वाली यही है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो गीता है। पहले तो उस वीडियो को डिलीट करो। ओके सर। राजा राजा मैं आ गया हूँ ना, फिक्र मत करो। बहुत डर लग रहा है मुझे। थैंक यू। नमस्ते भाई। थैंक यू रवि। सॉरी बेटा, मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया इसके लिए ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, अब ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है, आप मेरे घर चले जाइए, वहीं आप सेफ रहेंगे अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम बताओ क्या करें। चलिए। अच्छा तो मैं हाँ ठीक है राजा, मैं ध्यान रखूंगा। राजा बहुत डर लग रहा है। डरने की राजा मैंने जो किया गलत था, कुछ भी सजा दे दो मुझे। माँ को बेटे से दूर करने वाला पापी हूँ मैं, तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले। तो इधर क्यों आया है? तेरी तकलीफ जानकर तुझे एप्पल जूस और हॉर्लिक्स पिलाने नहीं आया मैं। दो दिन पहले बस स्टैंड पे एक अनजान को मारने की कोशिश कर रहा था, उसका और तेरा क्या संबंध है? उसने तुझे कितना माल दिया? बीच रोड में उसने मुझे मारा था, सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे, 30 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा। फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। एनीवे मिस्टर भैरव, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी पूछा ना तूने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया? उसने मेरी जान की रक्षा की। अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं। चिका, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया? अच्छा ठीक है। जो पैसा है ना उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर। सुनिए मालिक, और मुझे बुलाया था? नहीं तो, और मैं क्या बोल रहा था? परिमला ने बोला, मालिक ने बुलाया। जा रे चुपचाप, मुझे कोई काम नहीं है क्या? दिमाग खराब मत कर। क्या हंस रही हो? मालिक ने बुलाया, ऐसा झूठ क्यों बोला? बुलाया है ही नहीं बोला, नहीं बुलाया ये बोला। नहीं बुलाया तो मुझे किस लिए बोला? बुलाया है तो किसको बोलूं? मुझे बोल। नहीं बुलाया तो किसको बोलूं? मुझे बोल। इसलिए बोला। तेरी तो ए, करी, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाघरा धो, परिमला की नाइटी धो, सुशीला की अबे चुनरी बोल रहा हूँ, ध्यान देने के बजाय कॉमेडी करेगा, कॉमेडी करेगा। ऐसे कोई मारता है क्या? क्या हालत कर दी इसकी? ये हाथी का बच्चा बेचारा कब से हो गया? ए, वैसे इसने गलती क्या की है? मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मालिक ने इसे बुलाया नहीं, वो आके मैंने इसको बोला, इसके लिए मुझे मार रहा है। वैसे मालिक बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। और मालिक नहीं बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। इसीलिए तो तुम्हें बोला। तुम भी बोलो। छोड़ 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 हट। ए, कैसे आदमी हो तुम लोग? अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम लोग तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? IPL में RCB कैसे जीतेगी? सलमान खान की शादी कैसे होगी बताओ मुझे? तुम लोगों के आपस के झगड़े की वजह से वो जो ट्रम्प है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जापान में भूकंप आता रहता है। गोवा में अपने बिरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने। जाओ रे अखबार पढ़ो, देश की जानकारी लो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ। अकल नहीं है लोगों को। मेरा करीमला को मारने से सलमान खान की शादी होने में और गोवा में आधे कपड़े पहन के नहाने में क्या संबंध है? चिका, अब भी बोलता हूँ, भगवान की कसम मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। हाँ? आ? 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 आ?
अरे संभाल के। कुछ नहीं, दाया पैर फिसल गया। अपशगुन है ये। इसमें ऐसा नहीं जी, एक दो मिनट बैठकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। आप भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या? चाचा जी क्या बात है? अपशगुन के नाम पे लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। चाचा जी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्ट्री आना चाहता हूँ। फैक्ट्री तुम्हारी ही है, वहाँ आने के लिए तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे कैसे मिसू आ रहे? जिन्हें मैंने भेजा है वो मामूली लोग नहीं है, वो लोग जंगल के शिकारी हैं। फिर उन लोगों से कैसे मिस हुआ? फोन काट दिया है? मेरे चाचा पे जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसे ही उन लोगों ने मुंह खोला, तेरा मरना कंफर्म है। एक शरीफ बाप की औलाद होकर तो इतना उड़ रहा है। तो मेरा दादा तो बहुत घटिया था और मेरा बाप लोफर। ऐसों की पैदाइश हूं मैं। उन सबका हरामी पना भरा है मेरे अंदर। मैं इंडिया के किसी भी जेल में चला जाऊं, हाथ से बस एक फोन ही काफी है। तेरी फैमिली का अब से काउंटडाउन शुरू। तुमकुर में मेडिकल चलाने वाला तेरा मामा, हुबली के रजिस्टर ऑफिस में काम करने वाला तेरा चाचा, बेंगलोर में तेरी बहन की बेटी, सब तो उड़ा दूंगा। किसने दिया है एड्रेस? क्यों रे? चेन्नई में रहते हैं मेरे बड़े मामा, मैसूर में रहती है मेरी बुआ, बीजापुर में रहता है मेरा भतीजा, मुंबई में रहते हैं मेरे बड़े पापा, चिकमंगलूर में रहते हैं मेरे छोटे मामा। सबका एड्रेस लिख ले, अगर किसी को तूने हाथ भी लगाया ना तो तेरे ये हाथ काट के कहां डालूंगा तुझे अच्छे से पता है। रतन किधर है? रतन रतन ये वीडियो देख। अब
भइल बेटा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं इसकी जान ले लूंगा माँ। रतन ये ले। बेटा उसे मत छोड़ना, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। वो बेटा तो गया माँ। देखो बहन, ये बाहुबली सिनेमा में अनुष्का शेट्टी पहने हुई थी। उसके बाद और माल दिखा रहे, इसे दीपिका पादुकोण ने रामलीला मूवी में पहना था। ए गीता, ये कलर देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आंटी। क्यों? मेरे उनको डार्क कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे वो क्या? मेरे वो। कौन है वो? बताना कौन है? और कौन होगा? द वन एंड ओनली राज, विराज। राज? हाँ, हेलो। ऐसे जोक मत मारो गीता, पत्थर मारने से फल गिरते हैं, फल से पत्थर नहीं गिरते। मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे भाई के ऊपर तेरे जैसे हजारों लड़कियां लाइन मारती थी, लेकिन मेरे भाई ने किसी को भाव नहीं दिया। ओ हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हुआ समझो। बारिश होती थी ना तो सारे लड़के मेरे घर के सामने लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। अरे भगवान, हम छाता लाना भूल गए ना। हेलो, ये तुम्हारा फैन है ना? तुम सबको यही लग रहा है ना कि ये वन वे लव स्टोरी है? तो फिर हाँ, राजा भी मुझसे प्यार करता है। मैं भी नहीं मानूंगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? करेगा। इधर देख, राजा हम सबका बेटा है, हमारे परमिशन के बिना अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ओहो, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हे राजा आ गया। ओके ओके, तुम सब जाकर छुप जाओ। I will prove it to you right now। चलो 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 जाओ 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 जल्दी। ओ अंकल आप भी जाओ। हाय। घर के हर एक कोने में आज कोई ना कोई छुप कर बैठा हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। बैठे गीता जी। गीता जी। क्या समाचार है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब छोड़ो, तुमने मुझे पहली बार कब प्रपोज किया था? याद है तुम्हें? प्रपोज? हाँ गीता जी, मैंने कब आपको प्रपोज किया है? क्या मतलब? देखिए, चंदा मामा को दिखाकर हम बच्चे को बहला सकते हैं, पर बच्चे को दिखाकर हम चंदा मामा को नहीं बहला सकते। क्या बोल रहे हो? और आप भी क्या बोल रही हैं? हाँ? अगर आप चाहती तो मुझे प्रपोज कर सकती हैं। वैसे आप दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा। देखिए, इस मामले में मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी छोटी बुआ, मेरी बहन, मेरा कुत्ता, मेरा यहाँ तक कि मेरे घोड़े का डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घोड़ा? हाँ बिल्कुल, वो मेरी फैमिली का हीरो है। छोटी माँ कम आउट। चाची, छोटी माँ, आप सब यहाँ पर? अरे आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने बोला था ना, हम सब ओके बोलने से ही हमारा भाई ओके बोलेगा। अरे तूने भी ओके बोल दिया? तेरे को ओके नहीं। चाची आपने भी ओके बोला? अरे बापरे, ये कब ओके बोली? मतलब आप सब ओके बोल रहे हैं? काका जी आपकी भी ओके है? इसका मतलब मेरे भी ओके है। चल ओके बोल दिया, आई लव यू, जा ऐश कर। और ये ले अपना व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी, इंस्टाग्राम, सब कुछ चेंज कर ले। देखे ये किसने ना हमको बुद्धू बनाया, हम सबसे ओके करवाया। घर पर तुमने सबसे ये कहा कि तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलना है, अब बोलो कहाँ पे ड्रॉप करूँ? ऐसे ही झूठ बोल रही थी। वो क्यों? सबके सामने तुमसे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए झूठ बोलकर तुम्हारे साथ आ गई। देखो मैं अभी कोर्ट जा रहा हूँ जानू। मैं भी आ जाती हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारी सिक्योरिटी बनकर। सिक्योरिटी बनकर? हाँ ना बाबा, मेरे राजा के दुश्मन बहुत है ना, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो। अगर तुम पे कोई हमला करेगा ना, उसे मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं।
भागीता। हेलो राजा, उस दिन थिएटर में एसपी को मारने की जिसने कोशिश की थी ना, उसका पीछा कर रही हूँ मैं। जल्दी आ जा। तुम उसे फॉलो करो, मैं आ रहा हूँ। ऑटो। मैं एड्रेस बताती हूँ तुमको, जल्दी आ जाओ। तुम उसे फॉलो करती रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सर। मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालता हूँ। राजा यही है, यही है, बस मेरे पीछे आते रहो। ए तुजा, मैं इसके पीछे हूँ, मैं उसी के पीछे हूँ। वो आगे से लेफ्ट में मुड़ा है अभी। ए, किसके लिए फॉलो कर रही है तू? कौन है रे तू? राजा यही है, यही है। अरे अरे जल्दी आ, आ जा। देख एसपी, तू बहुत गलती कर रहा है। पैसे के लिए मेरे पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है। मेरे अरेस्ट होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? भाई सूर्य अरेस्ट हो गया। क्या बक रहा है? एसपी और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया। वो दोनों एक साथ कैसे मिले? आपके धंधे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए। तू कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। पता है वो सूर्य अरेस्ट हो गया। अरे उसको छोड़, एसपी तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रेडी कर रहा है। करने दो, मुझे उसमें से कैसे बाहर निकलना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एसपी ने तुम्हारा इनकाउंटर करने का प्लान बनाया है। आजा, आजा मेरे गले लग जा। ए करीमला, जाके भाई के लिए एक फल लेके आ। कौन सा फल? जाके ले ले। केले का फल। मैं लेकर आऊं? रहने दो, मैं ही लेके आता हूँ। खुद कमीना बैठ के मुझे केला लाने के लिए बोल रहा है। रुक रे दिखाता हूँ। चिका ये ले। क्या ये? केला। छिलका कहाँ है? फेंक दिया। वो क्यों? तुमने क्या पूछा? केले का फल। वही लेके आया। बिना छिलके का केला खाने के लिए लाया, मुझे बंदर समझा है क्या? कुछ भी बोलना है तो पहले ही बोलने का। फल खाने वाला है या छिलका खाने वाला है तू? अगर छिलका चाहिए था तो पहले बोलता, छिलका फेंक कर फल थोड़ी लेकर आता मैं फिर। तेरी माँ की तेरी इन बातों से सोया हुआ तेज जग गया है। तू कुछ भी लेकर आएगा और उसे मैं खाऊं? मुझे तो सिखा रहा है। अगर आज तुझे मैं छोड़ दूंगा तो तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ मजाक करेगा? मजाक करेगा, मजाक करेगा। है? कोई था कहाँ? क्या पता नहीं। मार डालेगा क्या? तुम लोग क्या रहे, दोनों आपस में लड़ते रहते हो? आखिर में तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अरे फल लाने के लिए कहा था, बिना छिलके का फल लेके आई है। इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी, अभी बताओ इसे कैसे छोड़ूं? ए, तुमने क्या पूछा? केला लाने को दिया ना वो छिलके वाला। अरे बाप रे, अरे रे, इंसान फल को खाता है, बंदर छिलका खाता है। तू इंसान है कि बंदर? इंसान। इसके हाथ में अमृत नहीं जहर है। इसने हाथ कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ कहाँ खुजाया होगा। इसके हाथ से खाऊंगा तो मैं जुलाब से ही मर जाऊंगा। अरे गंदी नाली के कीड़े लोग रोड के किनारे ठेले पे पानी पूरी खाते हैं तो कुछ नहीं होता। कीड़े वाले नूडल्स खाने से तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, और ये केला खाने से तुम्हें जुलाब हो जाएगा क्या? एक कपड़ा दे रहे, कपड़ा दे। केला ला। केले को गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो? ए, 50 लाख की गाड़ी को साफ करने वाले कपड़े से इस केले को साफ करके दे रहा हूँ तुझे, तो तुझे ये गंदा लग रहा है? ये ले खा, खा। ए, वो डब्बा लेकर आ, ला जल्दी लेके आ। वो किस लिए? हाँ डाल, केले के ऊपर डाल। फिनाइल है क्या? फिनाइल से डिटॉल सोप।
डेटॉल से? ये हुई ना बात, क्या सफेद अरे ये केला है, इसे कपड़े जैसा क्यों धो रहे हो तू? इस दरिंदगी को देखने के बाद मैं लाइफ में केला कभी नहीं खा पाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अबे वो साफ सुथरा पानी है, शुद्ध गंगा का पानी है, समझा? अबे इस केले को तेरे लिए साफ किया गया है, तूने इस केले की वजह से हम सबका वक्त बर्बाद किया है, समझा? इसलिए तुझे ये केला खाना पड़ेगा। ए सब लोग इसके केले को ऊपर उठाओ। अरे नहीं, सब लोग इसको केला खिलाओ। बोलिए सर। सूरी उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। ठीक है सर। सूरी उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। राजा वो 5 मिनट में यहां आएगा। ठीक है चीका। चीका ब्लू टी शर्ट में देख वो आदमी कौन है। ठीक है। ए, छोड़ो, चल, छोड़ो, चल, चल, ले जा रहे मुझे, छोड़ो मुझे। ए, ये मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है राजा, गन भी है इसके पास। कौन है रतु? कौन है रतु? मेरा नाम रतन है, मैं जोधपुर से आया हूँ। राज ठाकुर पूरे राजस्थान में अवैध सुपारी के धंधे का बेताज बादशाह है। जहाँ राज ठाकुर था वहाँ के मेरे पिताजी जिला कलेक्टर थे, उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे केस लगाए। भैरव तब राज ठाकुर का राइट हैंड था, इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारने का प्लान बनाया। कुछ अंदर नहीं होगा, डरो मत, डरो मत, मेरी बात सुनिए, अब अंदर आ जाइए। कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी की जान लेकर भैरव ने ये साबित कर दिया कि वो दोनों पुलिस और कानून के ऊपर है। उसने मेरे पिता को मेरे आंखों के सामने मारा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पुलिस के रिकॉर्ड में भैरव अब मर चुका है। हम सब भी उसे मरा हुआ मानते थे, मगर आपके वीडियो से पता लगा कि वो कमीना अब भी जिंदा है। उसने मेरा ही घर नहीं बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। ए, सुन, तू अपनी माँ का ध्यान रख, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस भैरव को देख लूंगा। नहीं भैया। अब जा करीम भाई, इसे लेके जाओ। चलो ठीक है। राजा जल्दबाजी मत कर। तो क्या करूं मैं, और कितने दिन मैं इस तरह शांत बैठा रहूं? उसकी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं, अब और नहीं होंगे। आज की रात पूजा के बाद उस भैरव का अंत होगा। मतलब कोई भी कारण की वजह से ये स्केच मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अपने पास यही लास्ट चांस है, मैं इधर से निकलता हूँ, समझे? ठीक है।
कहाँ पर हो गीता? हाँ राजा, आ रही हूँ, बस पहुँचने वाले हैं। ठीक है। कोने कोने में है दुश्मन, दिखा दिखा तू अपना दम, निभा निभा तू फर्ज अपना जीवन के युद्ध में, निभा निभा तू अपना धर्म, छुपे छुपे है वो दुश्मन, आज बचे ना बैरी तेरे जीवन के युद्ध में। अरे आप लोग टेंशन में क्यों हैं? वो बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस, पर आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए? आप सब इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ, क्या बात है, बोलो क्या हुआ चिक्का, क्या हुआ बोल। बहुत बड़ी गलती हुई माँ, आपने कहा था उस दिन उसका हाथ तोड़ दो, पर मैंने उसे जाने दिया। अगर मैंने उसे उस दिन खत्म कर दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। माँ आपकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। उस भैरव को तो अब मैं खत्म करूंगा, और उस दानव को अंत करने की शक्ति मुझे आप देंगी मां।
राजा, हाँ? रतन ने फोन किया था भैरव राजस्थान में। भैरव आपका फोन ट्रेस कर लिया है, मुझे पता लगा वो जोधपुर में है। Within 48 hours में उसको अरेस्ट करूंगा। उसने मेरी माँ पर हमला करवाया है, आपके अरेस्ट करने का मैं इंतजार नहीं करूंगा। राजा, उस दिन मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई इस बात का एडवांटेज ले रहा है तू, मुझे हल्के में मत ले। उस भैरव को अगर तूने मारा तो मैं खुद आकर तुझे अरेस्ट करूंगा। ऐसा बोलूंगा, समझा गया? बिल्कुल नहीं, उसे तो अब तेरे हाथों से मरना ही होगा। राम ने रावण का वध किया तो किसी ने भी उसको खूनी कहकर नहीं पुकारा, वीर धीर शूरवीर कहा। उसने तेरी फैमिली के साथ जो अन्याय किया है उसके लिए उसको मरना ही होगा। कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा। गो किल हिम। और राज ठाकुर दोनों साथ में रहते हैं, अभी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। बेटा, माँ ये राजा है, इनकी माँ को भी भैरव ने मारने की कोशिश की थी। नमस्ते। उसने हमारी ही नहीं बहुतों की जिंदगी बर्बाद की है, उसे मत छोड़ना बेटा, उसे छोड़ना नहीं, उसे मत छोड़ना। शांत हो जा, उसे नहीं छोड़ना बेटा, नहीं छोड़ना उसे। सुनो, किसी भी हालत में मुझे राज ठाकुर से मिलना है। एक ही रास्ता है पर बहुत मुश्किल है। परवाह नहीं। फोन पे कल जिसके बारे में बात की थी ना, यही है वो। चल बैठ। ए, सिर्फ ये जाएगा, चल हट। डोंट वरी। ये वो पैसा लाया क्या? क्या नाम है? कहां के हो? मद्रासी हो? कर्नाटक। आहा, मद्रासी हो, कर्नाटकी हो, सब एक ही हैं। चल बोल मद्रासी, ये बताओ कि यहां किस लिए आया है? सुपारी देने आया हूं। सुपारी? किसका सुपारी? पहले रेट बताओ। सुपारी देने? बिना नाम बताए दाम जानना चाहता है? 50 लाख। 5 लाख एडवांस। चल मद्रासी, अब नाम बता। भैरव। कौन? भैरव। इतने दिन तुझे कैसे मारना है सोचकर दिमाग खराब होता था, लेकिन तूने खुद यहां आकर अपने आप को फंसा दिया है। ए, तू सिर्फ अपने ही इलाके में राजा है, इधर मेरा ठाकुर ही राजा है।
अगर इसका दिल चाहे तो सिर्फ 5 ही मिनट काफी हैं। यहाँ बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमिली को उड़ा के रख देगा। तूने मेरे ही इलाके में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर सिर्फ एक ही शेर है और वो कन्फर्म। क्या रे कन्फर्म? हंटर हूं मैं। सिर्फ मद्रासी नहीं, हिंदुस्तानी हूं मैं। पांच मिनट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा ऐसा कहा था ना तूने? तेरे सामने खड़ा हूं, पहले मुझे खत्म करके दिखा। मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूं। जिधर कदम रखता हूं वहां का राजा मैं बन जाता हूं। मेरी माँ पर हमला करवाया तूने? मुझे मत मारो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मुझे मत मारो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ की कसम, अब से गलती नहीं करूंगा। माँ के ऊपर कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे कृपा करके छोड़ दो, कृपा करके मुझे माफ कर दो, आगे चल के गलती नहीं करूंगा।